पहला नाटक कौन सा किया था वो द, स्कूल में वही वाल्मीकि किया था वो वाल्मीकि का रोल नहीं था मेरा मेरा रोल था वाल्मीकि के दो हैंचमैन थे ना उसमें तो वो कुंजर गुंजर करके दो नाम थे एक शरद पकल करके हमारा एक था वो उसने एक किया था कुंजर मैंने गुंजर का ऐसा कुछ वो देखने पिताजी आ गए शहर से हमारे गांव में तो मुझे हमेशा लगता था कि वो पिताजी जो है हमारे दूसरे जो भाई है उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं हम ऐसे काले का लूटे तो हम हमको अशोक से, दिलीप से अशोक से या दिलीप से दोनों से उन दोनों से ज़्यादा हम ये ऐसा हमारा वहम था ये तो हम नाटक में काम कर रहे थे वो पिताजी मुंबई से वो देखने आए मैंने कहा ये अच्छा जरिया है उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने का नाटक करते रहो तो वहाँ से कोई शुरुआत हो गई और फिर यहाँ एक बार वो तय हुआ कि नहीं थिएटर ही करेंगे तो उसके बाद नौकरी छोड़ दी फिर स्टेट कंपटीशन में अवार्ड मिले फिर एक पहला एक्सपेरिमेंटल जो नाटक था पाई जय जाति विजय तेंदुलकर जी का ने जातम पूछा साधु की और अरविंद देशपांडे जी ने ये किया था डायरेक्ट किया था सुलभा देशपांडे जी के तो आविष्कार नाम था उस तो का आविष्कार से जहाँ मैं सुलभा देश पांडे जी में ऐसे भीड़ में बैठा था कई रिहर्सल देखने गया था मैं ये मुंबई की बात है बंबई में और सतीश पुलेकर संगुणा करके नाटक था रोहिनी टंगड़ी थी उसमें और उसके मियाँ ने जयदेवा टंगड़ी ने डायरेक्ट किया था और मैं वहाँ जाके हंसी मजाक मेरा चलते रहता था तो एक दिन स्टेट कंपटीशन का नाटक तय करना था तो जी ने कहा कि अरविंद वो जो बेटा है वो बैठा है ना उधर बच्चा उसको दे दो रोल वो अच्छा करेगा वो वो नाटक था टेनेसी विलियम का रोज स्टैटू जो ओरिजिनल फिल्म थी उसमें बर्ट लैंकेस्टर अना मैगनानी आई थिंक अना मैगनानी को ऑस्कर था यार शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर दैट वो उसका मराठी अडेप्टन था वेंकटेश मार्गुलकर ने किया हुआ सो प्लेड बर्ट लैंकेस्टर्स रूल एंड आई गॉट अबाउट। तो वहाँ से फिर वो शुरुआत हो गई और पाइजे जातीचे के बाद लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा फिर पहला कमर्शियल प्ले जो था हमीदाबाई कोठी। इट hmm. वॉज डिरेक्टेड बाई विजय मेहता अभी विजय मेहता तो मतलब उन पर तो हमें आपसे बहुत विस्तार से सुनना है अरे यार वो तो मतलब वो तो मतलब सुलभा और विजय वो तो माँ है हमारी और क्या उनके बदौलत तो हम हैं आप लोग हमको देखते हैं उनके बदौलत अभी तो उनका स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब रहता है अभी विजय हाल में उनका उनके पति जो थे उनका देहांत हो गया बहुत कमाल के वो भी अच्छा अच्छा एक्टर अच्छा थे फारूक मेहता तो उनके गुजर जाने के बाद भाई थक गए हर में मैं जाके आया के आता हूं मैं अब याद थोड़ी कुछ धुंधली सी हो गई है तो एक ही बात बार बार दोहराती रहती है तो और हमें बड़ा दुख होता है यार वो देखते हुए हम सह नहीं पाते फिर भी हम हंस के निकल जाते हैं लेकिन वहाँ से दरवाजे के बाहर निकलने के बाद तो बड़ी तकलीफ होती है अपनी माँ को कोई देखेगा इस हालत में और माँ ही तुम्हें अगर पूछेगी कौन है बेटे नाम क्या है तुम्हारा तो फिर हैरान हूं